ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग नहीं होते, और जिससे हम प्रभावित नहीं होते वो बार बार मिलने के उपरांत भी हमारे लिए वह सामान्य रह जाता है, और जिससे हम उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसके गुणधर्म देखने को मिल जाते हैं, और तब तक वह भी सामान्य बना रहता है। एक बार देखने के उपरांत नहीं करता, सामान्य हो जाता है। इसका कारण यही है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं, स्वाद के अपेक्षा से, स्पर्श के अपेक्षा से और गुणधर्मों के अपेक्षा से, उन पर्यायों से हम प्रभावित होते हैं, यह सामान्य कथन हुआ है। किंतु जब हम उसके भीतरी प्रकृति से, जो हमसे हमेशा हमेशा अज्ञात रहा है, उससे तब प्रभावित होते हैं जब हमारा संवेदन का वह विषय बन जाता है। सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया, दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भावों में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है, लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है, गे भले ही होगा, किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस
जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं, तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न होकर के विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसके किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं उस तपन के साथ, वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इसे ग्रीष्म का काल का परिणाम है, क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियां हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है उस समय उसकी
उद्योत किरणें जो आपके आंखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा उसमें। उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसके? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, दूर हो, ये तो बाद की बात है, मैं दूर कैसे करूं, यह भी समय लेगा। किंतु उस समय उसके आंखों में से पानी आ जाता, पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोम कूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है, नहीं समझे, ये पसीना है। वहीं पर आंखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये। जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आंखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो वह भी हाथ जोड़ करके कहता है कि मेरा एक प्रकार से परिणाम जो बिगड़ा वह गलत था, क्योंकि आप खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं, तो आप खिलाओ, अपने आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं सर्वेषु मैत्रीं, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणेषु प्रमोदं। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं, भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन, हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो।
भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो, यही एक प्रकार से गुरु ने, जिनवानी ने और प्रभु ने, सब ने अपने अपने समय पर काम किए हैं, करते रहेंगे। यह मोह मार्ग और मोक्ष मार्ग अनादि अनिदन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति। विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से, वह चंद्रकांत मणि और अर्घ अथवा सूर्यकांत मणि, इनको याद करते प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं। और इसमें आप संदेह न करिए, देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही, हे देहाती। देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो, ध्यान रखो। गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है, ध्यान रखो। अहिंसा परमो धर्म की